हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका। प्रियंका गुप्ता के चैनल में आप सभी का वेलकम है और इस वीडियो पर बने रहना है और एक भी चीज़ को स्किप मत करना और एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना। और आपको मैं आज ऐसी रेसिपी देंगी कि जिसको आपने ना कभी खाया होगा ना बनाया होगा। आज हम आपको मिल्क केक बनाना बताएंगे, वो भी रोटी का। चलो हम आपको किचन में ले चलते हैं और बनाना बताते हैं। बताने से पहले प्रिया गुप्ता की चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट और शेयर करना मत भूलना। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, रक्षाबंधन आ रहा है, अपने भाई भाभी को खुश कीजिए और रक्षाबंधन में यह रेसिपी ज़रूर बनाकर खिलाइए। आपके मेहमान और भैया भाभी बड़े खुश होंगे, आपके से रेसिपी इसकी रेसिपी मांगेंगे। चलो अब रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने चार रोटी हैं, उनको टुकड़ा करके ग्राइंडर जार में आपको इस तरह से पाउडर जैसा हल्का पीस लेना है। थोड़ा गीली रहेंगे, आपको रुक रुक कर पीस लेना है। फिर आपको कढ़ाई लेना, कढ़ाई में घी डालना, इसको कुरकुरा तक, ब्राउन कलर तक आपको सेंक लेना है। इसको निकाल कर ठंडा करके उसका पाउडर बना लेना है। फिर एक कढ़ाई लेना है, कढ़ाई में आपको एक चम्मच चीनी डालना, उसको मेल्ट करना। मेल्ट हो जाए तो उसमें एक गिलास दूध डालना। मैंने और बाद में भी दूध डाला था, फिर एक गिलास के करीबन मैंने दूध डाला था। फिर दूध डालने के बाद उसमें मलाई डालना है। मलाई डालने के बाद उसमें आपको थोड़ा हो जाए तो आपने जो आटे का पाउडर बनाया था ना, तो रोटी का, तो वो पाउडर ऐड कर देना। फिर ऊपर से आपको स्वाद अनुसार चीनी डाल देना। चीनी जब तक मेल्ट नहीं हो जाए उसमें और अच्छी तरह से नहीं मिल जाए जब तक उसको मिला लेना। फिर आपको ड्राई फ्रूट्स डाल देना जो आपको पसंद है। फिर आपको क्या करना है, जो एक डिब्बा हमेशा इस तरह से केक का सेट करने का आता है, उसमें घी लगाकर और मिल्क केक को सेट कर लेना है। सेट हो जाए तो मैंने अब जल्दी था इसलिए मैंने फ्रिज में रखा है, आप बाहर भी रख सकते हैं। ये मिल्क केक बनकर तैयार है।